नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में लगातार कोरोना के मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे में आइए एक एक पॉइंट में जानते हैं क्या है वो नई गाइडलाइन। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बिहार सरकार एक्शन के मूड में आ गई। शुक्रवार की शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश में कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अहम फैसलों के बारे में बताया। कोरोना को लेकर हुई इस बैठक में स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया। इस दौरान बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बात हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का काम बिहार में तेजी से हो रहा है और अब जिलों में यह निर्देश दिया गया है कि कोरोना वायरस जांच में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रोजाना कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल लॉकडाउन जैसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मास्क लगाना और सैनिटाइजर का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। महाराष्ट्र में आने वाली सभी ट्रेनों के यात्रियों का स्टेशन पर ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जो भी पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें क्वारंटीन भेजा जाएगा। 30 अप्रैल तक सभी दुकान और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक के लिए खुली रहेंगी। हालांकि यह नियम रेस्तरां और होटल पर लागू नहीं होगा। रेस्तरां, होटल और ढाबा में क्षमता से 50% का ही इस्तेमाल होगा। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि सभी तरह की सरकारी और निजी कार्यालयों में 33% कर्मी ही रोजाना आएंगे, लेकिन औद्योगिक इकाइयों, पुलिस, अग्निशामक, डाकघर, बैंक, आपदा प्रबंधन समेत अनिवार्य सेवा से जुड़े सभी कार्यालयों को इससे छूट रहेगी। हालांकि सरकारी कार्यालयों में उप सचिव और सबसे ऊपर के अधिकारियों को रोजाना कार्यालय आना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रधान सचिव ने यह भी कहा कि राज्य के सभी पार्क, उद्यान या ऐसे अन्य स्थानों पर मास्क का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों को पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोह व श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 200 से अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल होने की अनुमति होगी। सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 50% सीटों पर ही उपयोग कर सकते हैं। सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आदेश में सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक अनुपालक सुनिश्चित करवाने की भी बात कही गई है। भीड़भाड़ वाले स्थानों तथा फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन हो। बिहार में कोरोना से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।